नबी करीम को वाला ने जिन बातों की तबली के लिए इर्शा फरमाया था उसमें एक किताब की तालीम है और एक किताब की तिलावत है और एक है। वा, 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 वा। तालीम जो है, वो अहकाम है और अकायद है तिलावत जो है वो किराक और तजवीद है और तजकिया जो है वह अखलास है यानी वो इल्म वो जज्बा वो पाकिजा वफादारी के जो अपनी नीयतों में दुरुस्तगी लाए और जुबान और कल्ब के अंदर यगानत को पैदा करे और मुखलिस हो जाना कि अल्लाह के मां सिवा हर शय की रजा और उसकी खुशनुदी से अपने आप को पाक कर दे बहुत अच्छी ऐसी आदत जो अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से और कुरान क़रीम की हिदायत से हमें वो अखलाक वो बुनियादी फिक्र और अपने बातिन को संवारने के लिए वो बुनियादी जज्बात जो कुरानी करीम जिक्र करता है उनको अपने अंदर शामिल करना और एक इंसान के अंदर जो पाकिजा जज्बात हैं, सिद्क है सदाकत है वफादारी है तहारत है पाकिजगी है शर्म हया है इसको अपने अंदर उजागर करना ये पूरे सब्जेक्ट को तसवफ अखलाक और तजगी के नाम से याद किया बहुत जाता अच्छे साहब कराम रिदवान इसके अमली शक्ल में एक बड़ी अजीम गोया कि उनके पास ये दस्तूर मौजूद है और उनकी जिंदगी का कमाल ही यही है कि अगर वो आधी मुट्ठी भी जौ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं हाँ और हम अल्लाह की राह में ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना दे दे तो हमें वो सवाब हासिल नहीं होता जो साहबा जौ जैसी चीज भी अगर आधी मुठ्ठी भी खर्च करे वो वाँ होता वाँ है इसलिए इन अमाल बिन नहरी अमल का दारो मदार यह है कि आपके बातर में अल्लाह की खुशनुदी उसकी रजा उसकी चाहत उसका शौक और उसको राजी करने का जज्बा कितना है यह जो फिक्र पैदा होती है, ये जो फिक्र है, यही है, जो साहबा है कि जबरी जब हजूर के पास आए थे और उन्होंने हजूर अलीलाम से एक सवाल जिक्र किया था कि मलहसान या रसूल हजूर अहसान क्या है चंद सवाल पूछे थे पांच सवाल ईमान क्या है और इस्लाम क्या है एहसान क्या है क्यामत कब आएगी ये सवाल थे जो बुखारी शिफ के अंदर मौजूद है हजूर के विसाल से चंद दिन पहले हजरत जबरी आए थे उसमें एक सवाल ये था कि मल अहसान हो या रसूल अल्लाह एहसान क्या है तो सरकारी दो आलम सरमाया थाबूल का तरा हो फरा फूआ फरमा तो अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू खुदा को देख रहा है यानी इतना मुखलिस होकर जहर सी बात है आप किसी को देख कर कोई काम करते हैं तो मुकम्मल एटेंशन रहते हैं मुकम्मल मुस्तिद रहते हैं मुकम्मल तैयार रहते हैं तो फरमा तब कि तू अल्लाह रब्बालमीन की इबादत कर ऐसे का तरा कि तू अल्लाह रबीन जला को देख रहा है फिनलम तक तरा अगर ये जज्बा तेरे अंदर नहीं पैदा हो रहा तो ये सुन ले फ का वो अल्लाह रब्बालमीन तुझे देख रहा है तो ये मुखलिसाना और अल्लाह रब्लम जल्ला का मुशाह मुराकबे की जो कैफियत है इसको तस्वुफ कहा जाता है और कुरान करीम में इसका जिक्र है अहाीस में इसका जिक्र है और ये ईमान की असल है अपने दौर के, के बहुत बड़े दाई और आपने ऐसी दावत पेश की है इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस हमारे खिते के अंदर जो इस्लाम फैला और लोगों के दिलों से कुफर शिरक के अंधेरे जो छठे और वो अल्लाह रब्बुलमीन के कलमे और फितरत के पाकिजा नूर से जो मुस्तनीर हुए उनमें हजरत दाता साहब रमत आ इस पैगाम की कुरान और सुन्नत की तबलीग की सबसे बड़ी बरकत थी बहुत अच्छी